हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड का ईवीएस का एक चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की एक वर्कशीट देखने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट हैं, इजी हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बच्चों को आने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मैचिंग करनी है। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम हैं और वो एनिमल्स क्या करते हैं, कैसे हमारे लिए यूजफुल हैं, उसके साथ आपको मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल काउ, तो काउ गिव्स अस मिल्क, तो गिव्स अस मिल्क यहां है हमारा, इसके साथ आपको मैच कर देना है। सेकेंड इज हैन, गिव्स अस एग, इस टाइप से। ये मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इंस्टेड ऑफ दिस ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाउ दीज एनिमल्स आर यूजफुल फॉर अस। फिर काउ लिख देंगे, हैन, कैमिल, डैश आगे लगा के, तो उसमें आपको ये लिखना है काउ गिव्स अस मिल्क, हैन गिव्स अस एग, इस टाइप से। जरूरी नहीं है कि आपको ये मैचिंग बेस ही क्वेश्चन आए, इसलिए आपको पता होना चाहिए। कैमिल कैरीज लोड इन डेजर्ट, शीप गिव्स अस वूल, हॉर्स कैरीज, वी कैन राइड ऑन इट, ओके। सिल्क वॉर्म गिव्स अस सिल्क, डॉग गार्ड आवर हाउसेस, डंकी कैरीज लोड, ओके। अब इसमें डंकी में सिर्फ कैरीज लोड है और कैमिल में कैरीज लोड इन डेजर्ट है, तो जो सबसे ज्यादा सुटेबल होगा हम उसके साथ मैच करेंगे। हनी बीज गिव्स अस हनी, इस टाइप से, ओके। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, हार्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर एंड स्केवेंजर। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इनकी डेफिनेशंस, दैट व्हाट आर हार्बीवोर। हार्बीवोर एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही खाते हैं, ठीक है। वो दूसरे एनिमल्स को या दूसरे एनिमल के फ्लैशेस को नहीं खाते हैं, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को सिर्फ खाते हैं। नेक्स्ट इज कार्निवोर। कार्निवोर वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स के फ्लैशेस को, मीट को खाते हैं। नेक्स्ट है ओमनीवोर। ओमनीवोर वो एनिमल्स हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल्स के फ्लैशेस को भी खाते हैं। एंड देन स्केवेंजर। स्केवेंजर्स वो बर्ड्स या एनिमल्स होते हैं जो डेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दूसरे एनिमल्स होते हैं, मरे हुए जानवरों का जो फ्लैश खाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको इनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ये भी इस टाइप से भी आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन द टर्म हार्बीवोर एंड गिव टू एग्जाम्पल्स। डिफाइन द टर्म कार्निवोर एंड गिव टू एग्जाम्पल्स, इस तरीके से भी। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्बीवोर एंड कार्निवोर, ओके। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं उस टाइप से जो लॉन्ग आंसर बेस्ड वर्कशीट है वो भी मैं आपको बना के दे दूंगी। यहां हमें आंसर्स लिखने हैं। हार्बीवोर में हो सकता है आपका काउ एंड गोट, और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से जो सही हो। कार्निवोर में टाइगर एंड लायन। ओमनीवोर में हो सकता है आपका डॉग, ओके, जो कि दोनों चीजें खाता है। इसके अलावा हो सकती है आपकी फॉक्सेस, ओके, एंड स्कैवेंजर। स्कैवेंजर्स में हो सकती है सबसे पहले तो वल्चर, ठीक है, एंड हाइना जो एनिमल है ये स्कैवेंजर्स में आते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई एग्जाम्पल्स आते हैं जो सही हो आप लिख सकते हैं इनमें। नेक्स्ट देखिए, नेम द एनिमल्स। अब एनिमल का नेम आपको लिखना है, उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। लिव्स इन डेजर्ट, तो हमें पता है कैमिल। लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में मेनली कंगारू।
has fins to swim. Fish use its tongue to catch insects. Lizard, example of extinct animal. एक example आपको यहाँ पे देना है. तो हम dinosaur यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? Dinosaurs sucks nectar. तो honey bee. और butterflies भी आप लिख सकते हो यहाँ पे. Swallow soil, earthworm. Has horn on its nose, ठीक है? And it is rhinoceros. Okay, इस टाइप से. Next आप देखिए, fill the table. ये table form में question आ सकता है और ऐसे भी पूछ सकते हैं. Land animal, water animal, on trees. मतलब यहाँ पे कुछ example आपको land animals के लिखने हैं. Very simple. Water animal आप लिख ही देंगे यहाँ पे. ट्रीज में कुछ एनिमल्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मंकी, ठीक है? इस टाइप से आपको यहाँ फिल करना है. लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं, जैसे फ्रॉग, ठीक है? फ्रॉग लैंड में और वाटर में, दोनों में आपको मिल जाएगा. अंडरग्राउंड लाइक स्नेक, रैट्स, ठीक है? इस टाइप से. तो ये थी हमारी आज की ईवीएस की सिंपल सी वर्कशीट. आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.